नमस्कार दर्शकों, प्रणाम मित्रों। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, अदाणी एंटरप्राइज, अदाणी ग्रुप, गौतम अदाणी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मल्टीबैगर शेयर्स, इन सब पे आपके प्रश्न हमें मिल रहे हैं और समय निकाल करके आज मैं इन सभी विषयों पे बात करूंगा। जी हाँ, अदाणी ग्रुप के शेयर्स का क्या भविष्य है, गौतम अदाणी का क्या भविष्य है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अगले मल्टीबैगर शेयर कौन से हो सकते हैं, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें बीच में स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे, इसलिए स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्र संबंधियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। और आपके प्रतिभाव हमें कॉमेंट्स में देना मत भूलिए। तो सबसे पहले अदाणी ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दूं हमारे सभी मेंबर सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया। मैक्स हाइट्स में 4.5 गुना हो गया। नवंबर 20 तारीख को हमने जब बताया था, ₹19 के पास ये शेयर था और 50 दिनों के अंदर ₹90 तक पहुंच गया। तो जिसने 1 लाख लगाया उसके 4.5 लाख हो गए, जबरदस्त मुनाफा कमाया। आप सभी के लिए मैं खुश हो रहा हूं। साथ ही उसके बाद हमने जनवरी में भी 2 मल्टीबैगर शेयर बताए। लोगों ने हमसे कहा कि सर आप ऐसा शेयर बताइए जो खरीदने के लिए मौका मिले, क्योंकि मैक्स हाइट्स में कुछ लोग खरीद नहीं पाए, लगातार अपर सर्किट लगाता जा रहा था। तो जनवरी में हमने ऐसे शेयर बताए जो कंसोलिडेट होने के बाद फिर अपमूव शुरू करे। तो जनवरी 7 तारीख और जनवरी 21 तारीख को हमने जो शेयर्स बताए उन्होंने अभी थोड़ा करेक्शन दिया और कंसोलिडेट हुए हैं और यहां से फिर ऊपर जाने की शुरुआत कर रहे हैं। एक शेयर 3 दिन अपर सर्किट भी लगाया, दूसरा शेयर उसने भी 1-2 दिन अपर सर्किट लगाया और कंसोलिडेट होके एक तेज उछाल दिखाने वाले हैं। तो जिन्होंने मिस कर दिया है वो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी मौका है। हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मल्टीबैगर शेयर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें 7 जनवरी और 21 जनवरी का वीडियो अवश्य देखिए और वो शेयर्स खरीद के आप भी अपने निवेश को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जहां तक अदाणी ग्रुप की बात है, अदाणी ग्रुप बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिकली और भारत देश में इम्पोर्टेंट इसने मुकाम हासिल किया है, न केवल भारत में बल्कि एशिया में और ग्लोबल लेवल पे भारत के एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने, एक गौतम अडानी ने बहुत ही बढ़िया मकाम दिया है। लेकिन ये अनेक बार विवादों में फंस चुके हैं, चाहे वो कोल माइंस का ऑस्ट्रेलिया का विवाद हो या और कोई हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने परेशानियां झेली है। तो अभी 2 महीने से कम समय में, दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के फरवरी के 1st वीक में अदाणी एंटरप्राइज में 75% का फॉल हमने देखा। ₹4,190 से गिर के ₹1,017-18 तक गिर गया और अभी वापिस बाउंस आकर के 1846 पे कल इसने क्लोजिंग दिया है। तो आगे ये अदाणी का, अदाणी एंटरप्राइज का शेयर 3,000 होगा, 4,000 फिर से होगा, या फिर ये 1,900 या 3 डिजिट में गिरता चला जाएगा। आगे भविष्य क्या है अदाणी एंटरप्राइज का और इससे संबंधित तो दूसरी कंपनियों का, साथ ही गौतम अदाणी का पर्सनल रूप से भविष्य क्या है, उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, ये सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अदाणी एंटरप्राइज की जो कुंडली है इसमें राहु और मंगल की युति अंगारक दोष बना रही है, साथ ही शनि और केतु की युति इसमें हो रही है, वो भी एक अच्छा योग नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज अदाणी एंटरप्राइज की कुंडली में है वो है लग्नेश उच्च राशि में लाभ स्थान में धनेश के साथ बैठा है। ये एक जो योग है वो इस कंपनी को महाधनी बनाने का योग दे रहा है और इसके कारण अदाणी एंटरप्राइज इतने सालों में बहुत लंबी ऊंचाइयां इसने छुई है। लेकिन बीच बीच में जब भी
राहु मंगल शनि केतु के दुर्भाग्यपूर्ण दोष उजागर होते हैं तब तब हमने इनके शेयर्स में तेज गिरावट देखी है। और वही हुआ है अभी दिसंबर थर्ड वीक से फेब्रुआरी फर्स्ट वीक के दौरान। अभी आगे क्या होगा, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, अदानी एंटरप्राइज की कुंडली में गुरु भी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो अदानी एंटरप्राइज की कुंडली बहुत ही उतार चढ़ाव दिखाने वाली कुंडली है। तो यहां से दो संभावनाएं जैसे हमने देखी, या तो अदानी एंटरप्राइज और गिरता चला जाए, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अभी उसको डाउनग्रेड करने की तैयारी में है तो वो डाउनग्रेड करेंगे तो भी अदानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आगे और आ सकती है। वैसे तो अदानी ने अपने बहुत सारे शेयर्स तो गिरवी रखे थे, उसे छुड़ा लिए हैं और उसके कारण हमने बाउंस देखा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं अदानी एंटरप्राइज की कुंडली के आधार पे देखूं तो यहां से धीरे धीरे अदानी एंटरप्राइज का शेयर कंसोलिडेट होते होते अपवर्ड मूवमेंट दिखाने की प्रबल संभावना है। अभी बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं कम है, जो भी गिरावट आएगी उसमें इसको खरीद सकते हैं, लेकिन एक लंबे नजरिए से अगले कुछ महीनों के अंदर जैसे जुलाई अगस्त तक ये शेयर फिर से बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। ये अदानी एंटरप्राइज का जो कुंडली है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं। साथ ही अगर गौतम अदानी की पर्सनल जन्म कुंडली अगर मैं देखूं तो उसमें भी अच्छा समय अभी शुरू होने वाला है, एटलीस्ट जुलाई एंड तक इनके लिए समय अच्छा लग रहा है। इम्प्रूवमेंट होगी फाइनेंशियली, उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसके सामने वो डट के सामना करेंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में इनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कोई गंभीर आरोप उनकी पर्सनल लाइफ में उनके ऊपर लग सकते हैं, उनको अपनी हेल्थ से संबंधित समस्या हो सकती है, या उनको किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दुश्मनों के कारण उनको अपने आप को सावधान रखना होगा। विशेष रूप से उनको अपने संबंधों में भी सावधान रहना होगा। फेब्रुआरी मार्च का महीना उनको बहुत ही सावधान रहना है, जून में भी उनको सावधान रहने की जरूरत होगी। ये उनकी जन्म कुंडली के आधार पे मैं कह सकता हूँ। बाकी स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ से कोई भी गिरावट आए तो उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे कुछ महीने में बहुत ही अच्छा बाउंस बैक अदानी ग्रुप के शेयर्स में आ सकता है, स्पेशली अदानी एंटरप्राइज की कुंडली तो यही कह रही है। अभी इनके बाकी शेयर्स की कुंडली का मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेन है अदानी एंटरप्राइज और अदानी गौतम अदानी की कुंडली, तो उन दोनों की कुंडली का अध्ययन करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी मल्टीबैगर शेयर्स में हम अभी दो तीन और ऐसे शेयर में बताने वाला हूँ जो यहाँ से बहुत ही तेज उछाल दिखाएंगे, जैसे अपने मैक्स हाइट्स में अपने पैसों को 4-5 गुना कर दिया। उस तरह से मैंने ऑलरेडी जनवरी 21 को जो शेयर बताया वो यहाँ से 20 गुना हो सकता है। अदानी एंटरप्राइज की ही अगर मैं बात करूँ तो 2.5 साल में 2020 जुलाई से 2022 दिसंबर 2.5 साल में अदानी एंटरप्राइज का शेयर 28 गुना हो गया। उसी प्रकार से आपके निवेश को 20 गुना 30 गुना बढ़ाने वाले मल्टीबैगर शेयर्स की मैं चर्चा करने वाला हूं अगले वीडियो में, तो वो वीडियो मिस मत कीजिए। और मल्टीबैगर प्लेलिस्ट को भी अवश्य देखिए, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे शेयर्स मिलेंगे जो आपके निवेश को अनेक गुना कर सकते हैं। आपके प्रतिभाव और प्रश्न आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम।